तो जंग की जो स्थिति बनी हुई है वो वैसे ही चालू है। रूस के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। जंग के पिछले दिनों में जब भी ये लगता था कि रूस हवाई हमले करके यूक्रेन को बर्बाद कर देगा, तभी यूक्रेन पलटवार करता दिख रहा था, उससे रूस के होश उड़ रहे थे। आखिर अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन अब रूस के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है। आखिर यूक्रेन को वो कौन सा हथियार मिल गया जिसने रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यूक्रेन की इस तबाही का सबसे बड़ा कारण रूसी टैंक है। यूक्रेनी शहरों के टूटे फूटे मकानों की वजह ये रूसी टैंक ही थे। यूक्रेनी सैनिकों ने इन टैंकों से ही अपने शहरों की बर्बादी का बदला लिया। यूक्रेन के बदलापुर का सबसे बड़ा हथियार साबित हुई जेवलिन मिसाइल। डोनेस्क में भी यूक्रेनी सेना रूस के टैंकों को इन्हीं मिसाइलों के दम पर भगा रही है। हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था, और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन मिसाइल की ताकत से ही यूक्रेनी शहरों को रूसी टैंकों की कब्रगाह बना दिया। I realized that Ukrainians were not strong in the air. But same time I can say that we were very strong against their tanks by javelins and by in-laws, which is really helpful. But Ukraine needs something strong to defend its own airspace. रूस के टैंक शहरों में घुस तो गए लेकिन वापस नहीं लौट पाए। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन मिसाइल हमले का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि यही टैंक रूसी सैनिकों की कब्रगाह बन गए। ये रूस की सेना का एक T-72 मेन बैटल टैंक है। इसको आपको पता कैसे चलता है ये रूस की सेना का टैंक है? रूस की सेना के ज्यादातर गाड़ियों में ये वी का साइन, वी या जेड, दो साइन उनकी गाड़ियों में अधिकतर रहे हैं। ये T-72 या T-72 मेन बैटल टैंक भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल करती है, और ये उसकी मेन गन 125 मिलीमीटर की उसकी मेन जो तोप है, जो गन है उस टैंक की, ये ध्वस्त होकर अलग गिरी हुई है। और ये दिखाता है कि कितना भीषण इस टैंक पर आक्रमण रहा इरपिन और बूचा के इस इलाके में। ये वी का साइन आप एक तरफ और भी देख सकते हैं, और ये टैंक का कुछ और सामान रूस की सेना का यहाँ पर। इस टैंक को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन की सेना के अधिकारियों के मुताबिक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, और बिल्कुल अचूक उस जैवलिन ATGM का निशाना था जिसने इस टैंक को निशाना बनाया। और इस तरह के कई टैंक इस सड़क पर जो बूचा के रास्ते पर है, ऐसे कई टैंक ध्वस्त हुए हैं। दोनों ही देशों के टैंक काफी ध्वस्त हुए हैं। उसमें रूस की सेना के अधिकतर T-72 टैंक T-72s हैं, और यूक्रेन की सेना के T-64 अपग्रेडेड टैंक्स हैं। भीषण टैंक बैटल्स भी हुई है इस क्षेत्र में, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल भी काफी हुआ है। लेकिन अब बड़ी संख्या में यूक्रेन की सेना ने इस पूरे एरिया में अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है, और रूस की सेना खासा पीछे हटी है। रूस यूक्रेन युद्ध के 42 दिन बीत गए लेकिन रूस के हमलों का डर पैदा नहीं हो पाया। कारण है अमेरिका की जेवलिन मिसाइल
जिसने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भयंकर तबाही मचाई थी। अब यही जेवलिन मिसाइल देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन की आर्थिक मदद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की सैन्य मदद देने का आदेश जारी किया है। $100 मिलियन की जेवलिन मिसाइलें यूक्रेन की सेना को दी जाएंगी। अमेरिका और नेटो रूस से सीधी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार देकर यूक्रेन को मजबूत बना रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आप वी साइन देख रहे हैं, ये रूस की सेना के टैंक्स के यही निशान है। और बूचा के पास ध्वस्त इस तरह के कई टैंक इस कहानी को बताते हैं कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के सामने कमजोर होने के बावजूद जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या एनलो मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। इस तरह की ATGM जैवलिन का यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा है, न केवल यहां बूचा में, बल्कि अगर आप इरपिन की बात करें या फिर बात करें अन्य क्षेत्रों की, कीव के दूसरे छोर की, हर जगह अमेरिका में निर्मित इन मिसाइलों ने रूस के आर्मर एडवांस को पूरी तरह से रोक दिया। जेवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टारगेट का पीछा करके उसका खात्मा करती है। इसकी यही खासियत इसे जमीनी लड़ाई में सबसे असरदार बनाती है। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एक एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल वजन में हल्की होने की वजह से कंधे पर रखकर चलाई जाती है। इसके मिसाइल लॉन्चर का वजन 11 से लेकर 24 किलोग्राम तक होता है। इस लॉन्चर में डे नाइट विजन भी होता है। मिसाइल की लंबाई 108.1 सेंटीमीटर होती है। ये 14 सेकंड में 2000 मीटर दूर टारगेट को भेज सकती है। ये मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल से दो तरह से फायर किए जाते हैं, एक ऊपर की दिशा में और दूसरा सीधी दिशा में। पूंछ के पास रूस की सेना का एक ध्वस्त हुआ T-72 टैंक, उसकी तोप अलग आके गिरी हुई है यहाँ पर और टैंक जल के राख हो गया है यहाँ पर। निशाना जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, और इस युद्ध में इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बहुत अहम भूमिका रही है। ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर से ही एक टैंक को ध्वस्त कर सकती है अपने अचूक वार से। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर जैवलिन ATGM काम करती है। हालांकि अमेरिकी सेना में ये 1996 से है, लेकिन चाहे इराक की बात करें या अफगानिस्तान की, बहुत अहम भूमिका रही है जैवलिन ATGM की, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की, किसी भी दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ी को ध्वस्त करने में। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, यानी जो फायर करता है वो एक बार जब इसको फायर कर दे तो उसके बाद भूल सकता है, ये अचूक वार करेगी। दो तरह से ये वार करती है और वो फायरर को ध्यान रखना होता है, ऊपर से वार करे या साइड से वार करे। जो ऊपर से वार होता है वो बिल्कुल अचूक होता है। जेवलिन मिसाइल का यूक्रेन युद्ध में सबसे बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल सीधी लड़ाई में रूस से जीतना यूक्रेन के लिए मुश्किल था, इसीलिए जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिक गोरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए कर रहे हैं। जेवलिन मिसाइल रूस के लिए काल बन गई। रूसी टैंकों का लंबा चौड़ा काफिला जेवलिन के हमलों से सामूहिक कब्रगाह बन गया है और इसका तोड़ रूस के पास भी नहीं। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।